हरे कृष्णा राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इनका नाम है देवप्रिय साहा, चंदन नगर में रहते हैं और इनकी लड्डू गोपाल के प्रति जो प्रेम है और इनके प्रेम ने ही कैसे घर के सभी लोगों को मना लिया और लड्डू गोपाल जी इनके घर आ गए, इसी की एक छोटी सी अनुभव आज देवप्रिय जी ने हम लोगों से शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं इनकी अनुभव। देवप्रिय जी ने कहा कि ये अनुभव कुछ ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जो अपना अनुभव है ऐसे लोगों के साथ शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जिनके अंदर विश्वास नहीं है। पर यहाँ पे सभी लोग ठाकुर जी के भक्त हैं और ठाकुर जी की हर लीला को अपने दिल से महसूस करते हैं और विश्वास भी करते हैं, इसीलिए बेझिझक होके उन्होंने ये कहानी हम सभी लोगों को भेजे है। तो चलिए शुरू करते हैं देवप्रिय जी की कहानी। इनके घर में शुरू से ही गोपाल जी की सेवा का कोई चल नहीं था। छोटा सा राधा माधव की एक मूर्ति थी जिस विग्रह का ही पूजा होता था। घर में सभी लोग उनका ही पूजा करते थे और यही इनके आराध्य भी थे। पर जब वो 10th में आए तब अचानक से ये लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण अनुभव करे। ये आकर्षण बढ़ता ही रहा, मन ही मन हमेशा लड्डू गोपाल के ख्याल ही चलता रहता था। कभी लड्डू गोपाल के चरण में फूल चढ़ा रहे, कभी उनको झूला झूला रहे तो कभी उनको सुला रहे। पर घर के सभी लोग इस बात से बहुत नाराज थे। अब धीरे धीरे इन्होंने घर पे ये बात ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि घर के किसी को भी लड्डू गोपाल जी को घर लाने का मन नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे समय जाती रही, क्लास 12th में आ गए और 12th में आने के बाद जैसे कि ये आकर्षण और ज़्यादा बढ़ गया। कॉलेज में जाने के बाद ऐसा होने लगा कि लड्डू गोपाल जी के बिना तो जैसे रहा ही नहीं जा रहा है, अब क्या करें। क्लास 10 से कॉलेज तक पहुंच गए पर लड्डू गोपाल जी घर नहीं आए। इतने सालों का जो इंतज़ार है वो मन ही मन बढ़ता रहा। घर के लोगों को बहुत बार बोले एक छोटा सा लड्डू गोपाल लाए क्या। इस बात से घर के सभी लोग भीषण गुस्सा होते थे, अशांति भी बहुत होता था। कहते थे इतना सेवा इतना नियम कौन करेगा, लड्डू गोपाल घर में रखने का बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सेवा करना पड़ता है, कौन करेगा ये सब। ये सब सुन के देवप्रिय जी चुप हो जाते थे। हाँ सच बात है, घर में मम्मी को इतना काम है, उसके बाद मैं अगर कॉलेज चला जाऊँगा ऑफिस के लिए चला जाऊँगा तो मम्मी को ही तो करना पड़ेगा, तब क्या होगा। इसलिए देवप्रिय जी कुछ नहीं बोलते थे। पर ऐसा होने लगा जैसे घर में सभी के बीच बैठे रहने से भी अलग रहने लगे। सबके बीच बैठे बैठे ही जैसे गोपाल का ही सपना देखने लगे, कभी उनको पूजा कर रहे कभी उनकी सेवा कर रहे। घर में राधा गोविंद की मूर्ति तो थी, उनको पूजा करने के लिए बैठते भी थे पर मन नहीं लगता था। घर में इसी बात से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू भी हो गया था, इसीलिए इन्होंने अपना मन मार के दिन निकालने लगे। इसके बाद जन्माष्टमी आने का समय हो गया। जन्माष्टमी होने में थोड़े ही दिन बचा था कि एक दिन इन्होंने एक सपना देखा। मन की इच्छा जब गहरा होते होते इतना गहरा बन जाता है तब ठाकुर जी सपने में भी आके हमें दर्शन देते ही है। और इन्होंने सपने में देखा कि अपने हाथ से छोटा सा बहुत प्यारा सा एक कार्डबोर्ड का झूला बनाया है जिसमें छोटा सा गोपाल झूला झूल रहा है। इतनी सुंदर मनमोहक दृश्य देख के मन खुश हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही नींद टूट गया और सपना भी। घर में सभी लोगों को अपने सपने के बारे में बोला, पर सपने के बारे में बोलने के बाद भी लोगों ने यही कहा कि 24 घंटा यही सोचेगा तो यही होगा ना, इसमें क्या खास बात है, कुछ नहीं है, दिमाग से ये सब चीज़ें निकालो और सपना भी नहीं आएगा। तो वो प्रिय जी भी चुपचाप हो गए। हो सकता है कंटिन्यूस सोचने की वजह से ही ऐसा सपना आया है, और अपने काम में मन दिए।
इसके बाद थोड़े समय और बीत गए और एक दिन बाद फिर से इन्होंने एक सपना देखा। देखा कि सीधा यो कोई मार्केट या दुकान में गया है। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार है, बहुत सारे गोपाल है और इतनी सुंदर भव्य लग रहा है कि जैसे कि गोपाल बैठे ही है, चलो मुझे ले चलो। पर इतनी सुंदर सपना भी थोड़ी देर में टूट गया और घर के सभी लोगों को देवप्रिय जी ने फिर से बताया कि मुझे आज फिर गोपाल जी की सपना आया और मैंने देखा, मैंने कोई तो दुकान या मार्केट कहीं तो गया था जहाँ पे बहुत सारे गोपाल बैठे थे और उनके बहुत सारे श्रृंगार कपड़े इतने सुंदर सुंदर लग रहा था और फिर मेरे सपने थोड़ी देर में टूट गया। एक दो दिन में ही दूसरा सपना आया, इसीलिए घर वालों ने थोड़ा थोड़ा विश्वास करना तो शुरू किया। इनके मम्मी पापा को भी लगा क्या सही में गोपाल जी आना चाहते हैं, नहीं तो इतने जल्दी जल्दी सपने में क्यों आएंगे। पर देवप्रिय जी से कुछ नहीं कहा, बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब थोड़े दिन बाद की बात है और यही एक लास्ट सपना गोपाल जी के बारे में उन्होंने देखा था और ये सपने के बारे में सोचते हैं तो आज भी उनको अलग ही अनुभव होता है। बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, एक अलग ही अनुभव होता है। सपने में देखे कि चारों तरफ बादल ही बादल है और इस बादल में एक छोटा सा महल है। उस महल के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो खेल रहा है, पीछे मुड़कर खेल रहा है और एक येलो कलर का धोती भी छोटा सा पहन के रखे है। सिर पे मोर पंख है और मुंह में मंद मंद मुस्कान है। इतना प्यारा, इतना भव्य चेहरा इन्होंने पहले ना सोचा ना देखा। सपने में भी ऐसा चीज कभी सोचा भी नहीं था। आज के सपना बहुत खास था इनके लिए। छोटा सा बच्चा जो एकदम काला था और इतने सुंदर थे, इतने भव्य उनका रूप था, ऐसी आंखें थी, ऐसी मुस्कुराहट था और जैसे कि उनके तरफ ही दौड़ के आ रहे, जैसे उनके ही गोद में चढ़ने के लिए उनके पास आना चाह रहे। ठीक ऐसे ही समय हो रहा था जब इनकी सपना फिर से टूट गई। पर यह समय टूटने का एकदम सुबह का था। ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया ये सपना आज भी इनको याद आता है। ये सपना देख के थोड़ा सा डर भी लगा था, बहुत अच्छा भी लगा था। एक ऐसा फीलिंग्स आया था जो सभी के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल भी था। सुबह आके मम्मी और पापा और घर के बाकी लोगों से अपने सपने के बारे में बताया। ये सपना कुछ अलग ही था। मम्मी पापा को थोड़ा बहुत विश्वास तो पहले से ही हो गया था पर ये सपना सुनने के बाद उनकी भी मन बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे अब अपने से ही बोलने लगे, लग रहा है गोपाल जी तुम्हारे पास आना चाहते हैं, जल्दी से जाओ और हमारा लल्ला घर लेके आओ। चाहते होंगे गोपाल जी भी तुम्हारे हाथ से सेवा लेना, इसीलिए तुम्हारे सपने में आ रहे। बड़ा प्यारा भव्य रूप तुम्हें दिखाई दिया, एक ही बात में इतनी जल्दी सब लोग राजी हो जाएंगे ये कभी सोचा ही नहीं था। इतने सालों से जो घर पे कोई भी राजी नहीं हो रहा था, गोपाल जी ने उनको 2 मिनट में राजी करवा लिए। जब उनको आना होता है, किसी के हाथ की सेवा लेना होता है, किसी के प्यार सच्चा लगता है तो वो अपने आने का रास्ता तो ढूंढ ही लेते हैं और हमारे घर आ भी जाते हैं, हमको अपना भी बना लेते हैं और ये घर को भी अपना लेते हैं। इसके बाद और कोई देरी नहीं करके तुरंत मार्केट जाके बहुत ही बढ़िया सा एक गोपाल जी की विग्रह लेके आए। पोशाक आशाक श्रृंगार सब कुछ लेके आए, बड़े दिल से सेवा किए और प्यार से उनको घर में रखे। इतनी भव्य दृश्य था वो उस दिन का, जिस दिन इनकी प्रतिष्ठा हुई, आंख में आज भी इनके आंसू आता है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा जी इनकी एक्सपीरियंस है, जो इनके अनुभव है, जो आज हम सभी के साथ शेयर किया है। मुझे लगता है हम लोग सच्ची में बहुत धन्य हो जाते हैं जब हम गोपाल जी के छोटे छोटे इस लीला इस घोर कलयुग में भी सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, किसी ने तो ये भी कहा आंख तो कभी बंद करते ही नहीं है तो वो सोते कैसे है। मैं क्या जवाब दूं इनका समझ में नहीं आता है। गोपाल जी सभी के ऊपर अपना कृपा रखे और सभी लोगों को इस पैंडेमिक में, इस घोर कलयुग में
बचाए रखे। मिलते हैं एक नया कहानी नया अनुभव के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।